ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, आज हम लोग फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इतना कुछ दिया, डीएचपी दिया, डीएचपी के साथ कैटलिस्ट टी एस ओ एस दिया, ठीक है। पीरियडिन नहीं देखे हमने, टी एस ओ एस दे दिया है ताकि टी एस ओ माइनस वहाँ से एस प्लस निकाल सके। फिर एम जी टी टू ओ दिया है, फिर सी ओ टू दिया है, ई टी ओ एच एस टू एस ओ फोर दिया है, टी एस सी एल पीरियडिन दिया है, के सी एन डी एम एस ओ दिया है। प्रोडक्ट बताइए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा देर वीडियो को पॉज कीजिए और प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए बहुत ही अच्छे बुक से, क्लेडन से, जेफेल से, उनसे ये बुक क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो फ्यूचर क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कीजिए, हो गया। चलिए वीडियो को पॉज करके आपने उम्मीद है कि इसको बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई, इसको क्या क्या दिया है। डीएचपी दिया, जैसे डीएचपी देगा तो ये वाला अल्कोहल तो प्रोटेक्ट हो गया, तो ओ डीएचपी लग गया, ओके। देखिए तो क्या इस डीएचपी को हटाने के लिए कहीं एच प्लस आया है, ये देखिए H2SO4 इस डीएचपी को हटाने के लिए आया, इसका मतलब ये OH हटेगा। देखिए ये H2SO4 क्या करेगा, ये डीएचपी जो लगेगा उसको ये H प्लस H2SO4 देके क्या कर देगा, हटा देगा। अरे तेरे की, फिर पिरिडिन देखिए TSCl दे दिया, इसका मतलब पिरिडिन क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रन हटा के उसको TSCl बना देगा, OTS बना देगा, और फिर CN KCN क्या करेगा, उस OTS को हटा के साइनाइड लगा। देखिए ना, TSCl से क्या हो गया, OTS बना, और KCN क्या करेगा, उसको हटा के क्या लगा देगा आपको, तो आपको CN लगा देगा। देखिए तो पहले ढूंढिए तो कहाँ कहाँ है CN इस साइड में, यहाँ है और यहाँ है ना, यहाँ है। देखो OTS को छोड़ दिया है, KCN के रहते OTS कैसे छूट जाएगा, और अल्कोहल वो तो यहीं बन गया था, इन दोनों का स्टेप का क्या हुआ, हटा, तो B और D कैंसिल हो गए, अब बच गए A और C। चलो भाई A और C दोनों में साइनाइड इक्वल है, अभी साइड पे जरा आ जाओ, इस साइड में COH बना है, इसमें C डबल बॉन्ड OET बना है, ओके। जरा इस साइड को आइए, देखिए तो क्या हो रहा है, इस DHP ने इसको तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ये Mg और CO2, Mg क्या बना रहे भैया, Cl है Mg, आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी क्लोरीन लगा हो उसको आप Mg दोगे, मान लो कार्बन से क्लोरीन लगा हो, तो आपको याद होना चाहिए C पे माइनस, Mg पे प्लस 2 और Cl पे माइनस जाता है, ये क्या हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, क्लास 11 12 का टॉपिक है ये, तो इसका मतलब यहाँ Cl की जगह पे क्या हो गया, ये Mg के जाने से यहाँ क्या आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया, देखिए माइनस MgCl है ना, उसके बाद आ गया CO2, अरे CO2 आ गया कार्बोक्सिलिक आपको, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, इसका मतलब इस पोर्शन पे क्या बना, इस पोर्शन पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस आया। अच्छा माइनस आया तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या करोगे H प्लस आप दे दोगे, अगले स्टेप में H प्लस भी दे सकते हो, चलो दे दो, ठीक है। अब देखो आपके पास, अरे भैया देखो ना H प्लस है, दे दो, लेकिन जरा गौर से देखिए ETOH, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाता है, आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा कि सर क्या बनाता है, तो ये एस्टर बनाता है। देखिए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, तो यहाँ ETOC डबल बॉन्ड O, ETOC डबल बॉन्ड O, आंसर ये हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना आसान। ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज के अब से जो मैं फिलहाल बताने वाला हूँ, अभी थोड़ा हम लोग CSI के क्वेश्चन में ब्रेक लगा के हम लोग अब फ्यूचर क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए आप इसके बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, इन स्टेप्स को नोट कीजिए, जो जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल उसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए आप मेरी बात को, ओके। सबसे पहले स्टेप में डीएचपी दिया, जैसे डीएचपी दिया गया, डीएचपी डाइहाइड्रा पायरन, तो ये क्या हो गया, सीएल से तो कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और इस तरह से वो डीएचपी बन गया, देखिए प्रोटेक्ट कर दिया, सॉरी रिड्यूस नहीं, प्रोटेक्ट कर दिया इस अल्कोहल को। अब आ गया एमजी, एमजी को तो उससे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, एमजी ड्राइथर, देखिए आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा कि अगर आपको हैलोजन को मैग्नीशियम और ड्राइथर दे दिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये लीजिए एमजी प्लस टू सी एल माइनस, ओके। उसी साइड में आपको मिल गया सी ओ टू, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या बना भाई मेरे, ये ऐसे ओ डी एच पी, और यहाँ क्या लग गया है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। अगले स्टेप में, अच्छा देखिए दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप एच प्लस यहाँ दे दिया गया है आपको,
ठीक है ना, एच प्लस यहाँ दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्टेप में ना तो अगले स्टेप में यूज कर सकते हैं। तो ये ओ माइनस आया, तो ओ माइनस में क्या मिल गया आपको, एच प्लस मिला। उसी के साथ अगले स्टेप में आ जाइए, ई टी ओ एस दिया हुआ, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए जब आपने क्लास 11 12th में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद होगा आपने क्या पढ़ा था, कि आप एस्टर को वाटर देते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, या उल्टा भी सोचिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और आपको ईथर देते हैं तो क्या बन जाता था, एक एस्टर बन जाता था और साथ में वाटर निकलता था। तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, ये रहा इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए इस तरह से वाटर निकला, स्टेप है उसका, और ओ ई टी लग गया। तो लीजिए क्या बन गया, ई टी ओ सी डबल बॉन्ड ओ। चलिए यहाँ से छः कार्बन, देखिए छः कार्बन है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः। और यहाँ क्या लगा हुआ था सर, यहाँ तो ओ और डी एच पी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ जो आ गया इसी के साथ ई टी ओ एच के साथ, ये भी तो आ रहा है एच प्लस, तो ओ डी एच पी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो ओ डी एच पी के बदले क्या बन जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसके बदले क्या बन जाएगा, ओ एच बन जाएगा। ओके अब आ जाइए, अब इसका काम हो चुका, अब टोसाइल क्लोराइड आ गया, टोसाइल क्लोराइड क्या करेगा, ओ एच को ओ डी एच में बदल देगा। टोसाइल क्लोराइड क्या है, तो ये आपको टोसाइल क्लोराइड, तो टी एस सी एल, आपको पता है कि ये आपको यहाँ पर लोन पेयर अटैक करेगा, तो इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, एच प्लस सी एल माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया, ई टी ओ सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ छः कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ क्या लग चुका है, ओ टी एस, और जैसे ही ओ टी एस लग गया, क्योंकि पिरिडिन भी दिया गया था ना, पिरिडिन ने यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन निकाला, और हाइड्रोजन निकाल के ओ माइनस ने क्या किया, टी एस पर अटैक कर दिया। और अब किसका है, अब नंबर है के सी एन का, कि डी एम एस ओ तो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है, तो सी एन माइनस यहाँ अटैक करेगा, ओ टी एस को यहाँ से बाहर निकाल देगा, और इस तरह से फाइनल आपका क्या बनेगा, तो ई टी ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से छः कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ क्या हो गया, ओ, क्या आपको ओ के बदले क्या लग गया, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ सी एन लग गया। ये देखिए